गाड़ी रोकने की माफी चाहता हूँ साहब, आपकी इजाजत हो तो एक सवारी ले लूं। बिठाओगे कहाँ अपने सर पर? हम यहाँ नहीं बैठने देंगे। यहाँ मैं अपने पास बिठा लूंगा। अच्छा अच्छा, घर कब तक आओगे? इन्हें छोड़कर आ ही जाता। उनका आना जाना तो दूसरा कुछ नहीं देगा। तो मैं भी उनका लाख नहीं। तो दमाद किसी को नहीं पकड़ेगा। वो आरत नहीं थी। और मैं क्या करें? अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम पहले किसी की तारीफ क्यों करते हो? आखिर मैं भी तो इसी शादी में रहती हूँ। क्या औरत है? बारिश में जरा भी नहीं दीदी। तेरे बापू रास्ते में मिले थे, वही टैक्सी में यहाँ तक छोड़ गए। अच्छा हुआ, नहीं तो मैं ये छाता दुरुस्त करके लाने ही वाली थी। माँ की कितनी फिक्र है तुझे बेटी, मगर इसमें और मुझमें अब क्या रह गया? छत पर बंदर नाच रहे हैं क्या? है तो बंदर, मगर बगैर धूल के। क्या मतलब? अपने चुन्नू मुन्ने पर छत ठीक करने गए? अरे कहीं गिर न जाए। अरे चुन्नू मुन्नू, नीचे उतरो, नीचे उतरो। हमें उतर गए, हमें दीदी ने मारा है। क्यों मेरे लाल? हमें दीदी ने मारा है। क्यों नहीं?
प्यार होता है। माँ तो भगवान की भी माँ होती है, सबसे बड़ा भगवान और उससे बड़ी माँ। माँ मामा हमें माफ कर दो माँ। माफ कर दो माँ। क्यों मारा था दीदी ने? हमने झूठ बोला था। हमने झूठ बोला था। अब तो नहीं बोलोगे ना? खाओ माँ की कसम। तेरी कसम माँ, तेरी कसम माँ, तेरी कसम तुम्हारे भाव में ये मुर्मु रहे। भूल जाओ शारदा, दुनिया कहती है गरीब का भगवान है, मैं तो कहता हूं गरीब का भगवान कभी का मर चुका।
आज किसी से लड़ झगड़ कर तो नहीं आए? मालिक का सर फोड़ के आया हूँ। मैंने उससे 10 रुपए मांगे और उसने 20 आने दिए। मैंने कहा तनख्वाह के रुपए कम तो नहीं होते, शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, और तुमने ऐसे औरत से शादी क्यों की जिसके पकवाड़ पर सारी कमाई जाती हो? बोलो बोलो शारदा, क्या ये सब कुछ सुनकर मैं खामोश रह सकता था? मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है, बोलने वाले की जबान कौन पकड़ सकता है, मगर तुमने उसका सर फोड़ के अच्छा नहीं किया। अरे कहां, यही तो अरमान रह गया। मैं तो समझी थी कि आपने सच पूछा। नहीं नहीं, ज्यादा गुस्सा देते, चलो अब खाना खा लो। अरे चलो मुन्नो, चलो खाना खा लो। ये बापू का बात भी तुम लोग ही करना है क्या? मैं नहीं मोती। तू इधर आ। अरे मुन्नो, तुझे भाजी नहीं परोसी? नहीं। खाते नहीं है? क्या सोच रहे हो? बापू, मोती को एक बहुत अच्छी कहानी आती है। किसकी कहानी? वादा लाने से। अच्छा, तो सुनाओ। एक था वादा और एक थी लानी, मगर लाने के पास कुर्ता भी नहीं था और लानी के पास साड़ी भी नहीं थी। बस बस, अब ज्यादा बातें मत बनाओ। बापू थक थका के आए हैं, उन्हें सोना भी है। मेरा पेट खुल जाएगा। ये क्या, ये क्या बापू? बाल है बेटा। मेरी तो नहीं है। तुम्हारे नीचे बाल है तो काटे। अच्छा, काटे हैं तो कल उखाड़ तो फेंक दूंगा। हाँ। सो जा बेटा, सो जा। पाठशाला में बच्चों के साथ खाओगी और रात भर बर्तन नहीं सोगी तो जियोगी कितने दिन? उठो, मैं मर थोड़ी ही गई हूँ। तेरे बचपन पर तो अब जवानी मुस्काने लगी है, मगर अफसोस मैं तुझे दो अक्षर भी नहीं पढ़ा सकी। तो क्या हुआ, तुम थोड़े ही बैठ गई? बापू जब अपने टैक्सी ले लेंगे और खूब कमाने लग जाएंगे तो मैं तुम्हें स्कूल थोड़े ही जाने दूंगी। तुम्हें घर बिठाऊंगी और कहूंगी माँ अब मुझे पढ़ा, उठो तुम अब आराम करो। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मेरे पीके का नाम निकाला तो मेरी जेब से छुरी भी निकल आएगी मालिक। मैं रोटी की जगह मिट्टी खा लूंगा, मगर गाली नहीं सुन सकता। क्या हुआ ना, क्या हुआ? कोई सपना तो नहीं देख रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं शारदा, कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना। जितने बजे कहो जगा दूंगी। ओहो, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे घर में अलार्म रखा है। घर में तो नहीं, पड़ोस में तो है। देवी माँ सुबह जो भजन गाती है, अलार्म ही तो है। सुख कितना
समझे हाय जमाना, ना समझे हाय जमाना, दुख कितना पर्वत जितना, सुख कितना राई का दाना, ना समझे हाय जमाना, ना समझे हाय जमाना। देने वाला दादा तो वो नीली छतरी वाला है, सुख देने वाला दादा तो वो नीली छतरी वाला है, वो शशि रवि से संकर है पर दुनिया भाग वाला है, दुख किसी ने वो देना है, सच कह गया कोई सियाना, कह गया कोई सियाना, ना समझे हाय जमाना, ना समझे हाय जमाना, दुख कितना पर्वत जितना, सुख कितना राई का दाना, ना समझे हाय जमाना, ना समझे हाय जमाना। सुख दुख की चिंता देता है, सुख सुख की चिता जलाता है, सुख दुख की चिंता देता है, सुख सुख की चिता जलाता है, इस दुनिया में वो जीता है जो उसका ध्यान लगाता है, जो उसका है वो सबका है, जो उसका है वो सबका है, बस उसको भाई मनाना, ना समझे हाय जमाना, ना समझे हाय जमाना, दुख कितना पर्वत जितना, सुख कितना राई का दाना, ना समझे हाय जमाना, ना समझे हाय जमाना। बरस सफेद छीका था, निकल आया काला। शायद मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ये तो तुम अपने आप को आईने में देखकर कह रहे हो। इन आंखों में देखो, आंखों। तुम्हारे चांद से चेहरे पर ये दो आंखें आप देख कर तुम मेरी जिंदगी के अंधेरे उजाले बन जाते हैं। कारण को भी रानी बना देते हैं। अफसोस कि तुम्हें ये रंग रूप देखा, भगवान ने तुम्हारा सुख छीन लिया। माँ बाप के घर से जितनी यहाँ खुश उतनी तो शायद स्वर्ग में भी न हुई। बापू क्या है? ला बेटी, तुमने पी ली बेटी? नहीं बापू। तो ले जा, मैं भी नहीं पीऊंगा। भैया सो रहे हैं, वो जाएंगे तो मैं उनके साथ पीऊंगी। अच्छा भगवान ने बीवी भी नेक दी और बेटी भी देवी दी, मगर धन न दिया। तुम धन का इतना मोह क्यों करते हो जी? जब नन्हे मुन्ने बच्चों को भूखा और नंगा देखता हूँ तो भगवान तक को गाली देने को जी चाहता है। जी जी जी, ये भगवान ही तो है जिसके सहारे हम तुम सांस ले रहे हैं। चार बच्चों के बाप हो गए, मगर बचपन में रहे। आदत बचपन की नहीं है शारदा, जवानी की है, शादी के बाद की।
खुली है। ये मालिक ने दिया है? बापू के लेने से उधार लाया हूँ। उधार? उधार तो कौड़ी का भी पूरा, ये तो 10 का नोट है। क्यों दिया था? तुम्हारी चित्री, मेरी चित्री, मेरी छाया तो तुम हो ना। छाया, मैं जाता हूँ। जरूर ले ले। इस बुढ़ापे में भी इनका सिनेमा चल रहा है। अजी और सुनते हो? जरा मेरी छतरी और थैली लाना। अच्छा। मैं बाजार जा रही हूँ। देखो मैंने सब खाना तैयार कर दिया है, जल्दी आना। अच्छा, मुझे दफ्तर जाना है। मेरी छतरी सबके सामने क्यों खोलते हो? क्यों, नजर लग जाएगी। अजी कौन देखता है? तुम तो कोरे बुद्धू हो। बुद्धू? और वो भी कोरा? आइए, क्या चाहिए आपको? छतरी। लेडीज? नहीं, जेंट्स। जेंट्स? अच्छा, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। रेनकोट की क्या कीमत है? कम से कम 25 में मिल जाएगा। बहुत अच्छा है। नहीं, छतरी दिखाई। ये चाहिए 12 रुपया, ये 11 रुपया, ये 10.5 रुपया, ये 9.5 रुपया, ये 9 रुपया। यही दीजिए। ये भी बहुत अच्छा माल है, एकदम उमदा माल है। एक छतरी 9 रुपया विद सेल टैक्स। बालम जरूर जीतेगा। नहीं नहीं, नाथ जीतेगा। क्या हुआ? गाड़ी बंद पड़ गई साहब। हैं? छूट में जाओ, जल्दी ठीक करो। हाँ कोशिश करता हूँ साहब। कोशिश के बच्चे, हमें देर हो रही है साहब। मशीन का मामला है, मैं क्या कर सकता हूँ। अपनी बीवी को बुलाओ, वो धक्का लगा देगी। साहब आप बहुत देर से मेरी बीवी के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। हमारे मालिक ही कह देते, हमारे नए ड्राइवर की बीवी मास्टरनी है और बड़ी सुंदर भी है। अच्छा, उनके पास तो वो आती जाती होगी। आप बहुत बढ़ रहे हैं साहब, आगे कुछ कहा तो सर तोड़ दूंगा। चल बे हरामजादे, बीवी की कमाई खाता है और हमें आंखें दिखाता है। मेरी बीवी का नाम लेता है।
मुझे क्या हुआ? मेरी उंगली। अच्छा अच्छा, हम इसकी दवा लगाएंगे। अरे भैया, दरवाजे में आ गई। अच्छा हुआ तुम थे, नहीं तो उंगली ही कट जाती। जरा आयरिन लगा दो जल्दी से। चल मैं तुझे दवा लगाती हूँ। बाबा जरा रोशनी तो कर दे। बल्ब गया ना? बिजली ही गई बेटी, किराया जो नहीं दिया। काट दी होगी मालिक ने। अंदर छुप के बैठे, बाहर निकल। हाँ निकल बाहर। जरा देख अपनी लाडलों की करतूत। देख देख क्या हुआ महाजन चाचा? अरे चाचा की बच्ची मेरे बबुआ का कान फूट गया है। मैं अभी इन दोनों को पुलिस में देता हूँ। क्यों जी? क्यों प्रकाश बाबू? आप घर में नहीं है? आप घर में? कोई बात नहीं, ये बच्चे क्या है, समाज के कीड़े हैं, कीड़े। माफ करो भैया, मुझे लड़ना नहीं आता। अरे लड़ता कौन है तुम जैसे कमीनों से? नीच कहीं के? हाँ नीच कहीं के। दरवाजा बंद कर दे। अरे ये क्या करती है? ये क्या करती है? अरे क्या करती है? अरे अरे दरवाजा बंद कर, क्या समाधि लेके? अच्छू ने मेरे आगे कान पकड़े हैं। हाँ कान पकड़े हैं। अरे तू क्या है? अरे तू क्या है? चलो जी तलवार फिर से निपटूंगी। बापू प्लीज आओ भैया। किसी खास काम से तुम यहाँ आए? आप है कि गोविंद ने कल 10 रुपये लिए थे, लेकिन अब किसने देने और किसने लेने? ना ना ऐसा न कहो भैया, देना पाप और लेकर न देना बड़ा पाप है भैया। मालूम होता है तुम्हें अभी मालूम नहीं गोविंद ने क्या कर डाला। उसने एक आदमी को मार डाला। चले गांव से आते वक्त उसने गुस्से में सर पे हैंडल मार के एक आदमी को जान से मारा। मर गया। अच्छा मैं जाता हूँ, मेरे 10 रुपये याद रखना। क्या हुआ? जिसके माथे पर सुहाग की बिंदिया चमकती हो और जिसके घर में बच्चे कभी रोते और कभी हंसते हो, वहाँ तो स्वयं भगवान बसते हैं। क्या हुआ बेटी, बोल तो। देवी माँ, बापू ने किसी का खून कर दिया है। क्या खून? देवी माँ खून, खून। हाँ हाँ गोविंद ने खून किया है। कहाँ है वो? उसी ने किया है, हम तलाशी लेंगे। नहीं मैं अपने घर की तलाशी नहीं लेने दूंगी। मेरा घर मेरे घराने की नाक है, मेरे माँ बाप और सास ससुर की इज्जत है। चाचा बहन उनको अपना पर्व अदा करने दो। चलो बेटी। क्या भगवान ने शायद तेरी किस्मत में ये दिन भी लिखा होगा।
प्रकाश, बेटी तो नौकर तो पुलिस का है, मगर आदमी से आदमी का भी कोई धर्म होता है। तुम विश्वास करो देवी माँ, मैं शारदा बहन को संभाल कर ले आऊंगा। चलो दीदी, बापू ने क्या कर दिया? फोन कर दिया भैया। दीदी मैं तब फिर ना उठू, बापू मेरा फोन तो नहीं करेंगे? नहीं भैया, ऐसा ना करो। बगैर तो मैं हरगिज़ नहीं जाने दूंगी। फजल जिद करती है बेटी। चुन्नू भैया, मैंने जाते जाते पहले नहीं किया। बापू ने एक आदमी का खून जो कर दिया। खून खून क्या होता है भैया? इसको इतना मारना, इतना मारना, इसकी जान निकाल डालना। अच्छा तो आप आज हम जो बाबा के बच्चों को इतना मारे, इतना मारे, इसकी जान निकाल दे। नारा भैया, हम पे तो भगवान की मार पड़ रही है। हम किसी को मारेंगे तो दुनिया कहेगी हम भगवान को भूल गए हैं। उठ जा, किसी से लड़ना नहीं। चंदू मन्ना, हाँ आम भैया, हमें भी आम लाने चाहिए। ये आम भी कोई खाने की चीज है? आम खाने से पेट दुखता है। इसका पेट दुखता है और इसकी माँ के पेट में मरोड़ उठती है। चाची, अगर हमारी माँ का नाम लिया तो पत्थर सर तोड़ देंगे। मामूली बाप प्याज और बेटा देखो तो शानवाद। क्यों रे? जा जा, बड़ा आया माँ वाला, माँ तेरी आके क्या कर लेगी। चल रे बाबूआ।
अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं दिखाई देती, गोविंद का कुछ पता चला? नहीं। हाँ। वो मेरे 10 रुपए? हाँ। मालूम होती डूबी हुई रकम वसूल हुई। तो घर छोड़ दो? नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। रहे बिचारी के 5वां महीना शुरू है ना, गरीब के दिन रुक जाते लेकिन साल में नहीं रुकता। इस सब नसीब की बात है बस। मैं जरा संभाल के चलना, गिरना नहीं। माँ तुम्हें भूखा लेना। हाँ बेटा। अरे गरीब बेचारी, मुसीबत जब आती है तो इसी तरह रटाए बांध कर आती है। किराया देना है या नहीं? 60 रुपए हो गए। आज तो लाई हूँ भैया। जा चुनो थैली में से भैया जी को पैसे दे दे बेटा। लो गिल्लो 40 है और बाकी के 20 अभी तो इतने ही है। 10 बापू क्लीनर को दिए, 40 तुम ले लो, तनख्वाह पूरी हो गई। अरे हम 4-4 महीने एक बार करते बे। पढ़ उनकी मुँह नहीं लगा करते बेटा। हाँ ये ले। बच्ची चलो बच्ची, हम आ गए। दीदी माँ बीमार है। क्या हुआ माँ? हिंदी पर से गिर गई। कहीं नहीं कहीं चोट तो नहीं आई? पत्थर का क्या दिखेगा बेटी, तू राशन लाने गई थी ना? हाँ माँ, पैसे थे तेरे पास? देवी माँ से उधार लिए हैं। उधार? सोचा तुम्हें तनख्वाह तो आज मिलने ही वाली है। तनख्वाह? तनख्वाह तो सारे भाड़े वाले महंगे लगे दीदी। तुम खाना पका, हम माँ की सेवा करती है। उठो भैया खाना खा लो। उठो खाने के बाद सो जाना। उठो खाना खा लो। चलो
उसका सहारा हो जाएगा। बच्चों ने खाना खा लिया, खा रही तुम सो जाओ। दीदी दो चावल भूख जाएंगे। ये माँ के लिए है भैया, हम तो आज चने खाएंगे, हमें प्रॉमिस, बादाम से भी अच्छा लगता है। रोटी देने वाला भगवान मर गया है, रक्षा करने वाला दाता तो कहीं नहीं गया। ये ले बेटी, ले ले बच्चों को खिला, ले बेटी। अरे शारदा अभी तक उतरी? माँ तो उस कमरे में बीमार पड़ी है। अरे सदमा जब दर्द बनकर दिल में बैठ जाता है तो कहाँ उठा बैठा जाता है बेटी। देवी माँ, बेटी घबराना नहीं, दुनिया के दरवाजे बंद हो सकते हैं, भगवान के द्वार तो हमेशा खुले हैं। अच्छा मैं जाती हूँ। माँ तुझे क्या होता है? माँ तुझे क्या होता है? माँ बीमार है, बोलोगी तो और बीमार हो जाएगी। जाओ अंदर, तुम्हारे लिए खाने को रखा। और मुझे इतना अच्छा
कारखाना नहीं जा रहे हो तो बुक के लिए पैसे कहां से लाओगे? लो, लो, जाओ। क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर साहब मुझे क्या है? माँ की दवा लेने आई हूँ मगर जेब में दाम लेकर नहीं आई डॉक्टर साहब। क्या तकलीफ है तुम्हारी माँ को? ये तो मैं नहीं जानती। अब मैं भी जब तक मर्ज नहीं जान लेता। खून की बीमारी है डॉक्टर साहब, खून की। इसके बापू ने एक आदमी का खून कर दिया है। बच्चा, तुमने कुछ खाया? हाँ हाँ खाया ना। हाँ हाँ। बाबा, बाबा, दीदी तुम्हारे लिए दवा लाने गई है माँ। दवा? मुझे दवा की क्या जरूरत है? लेकिन बच्चों, तुम तो मेरी दुआएं ले लो। माँ, डॉक्टर साहब पूछते हैं तुम्हारी माँ को क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि जान नहीं सकती। ममता ने प्राण रोक रखे। नहीं आपकी चिट्ठी आई? मेरी चिट्ठी, मेरी चिट्ठी तो ऊपर से आने वाली है। ये कहाँ से आ गई? इंश्योर है, किसी की गवाही चाहिए। गवाही? प्रकाश चाचा, जरा इस चिट्ठी पर दस्तखत तो कर देना। तुम्हारे बापू की चिट्ठी मालूम होती है? बापू की? माँ, बापू ने पैसे दे दी। बेटी, जरा खाने लिखा था तो दे देना। हम पार्श्वनाथ शांति सागर सेतु लोकमान्य पान बाजार मुंबई नंबर 4। कैसे आया ना गोविंद केशव सावले? इस नाम का कोई आदमी तुम्हारे यहाँ काम करता है क्या? गोविंद सावले? सावले दीवान जी, आप में आया इस नाम का कोई आदमी? कोई नहीं है। नहीं, कोई नहीं है। शारदा भाई सावले के नाम पर तुमने इंश्योर भेजा था ना? नहीं तो। नहीं? अच्छा, तुम्हारे यहाँ ड्रग्स भी तो है ना? जी हाँ। ये आदमी पेशे का ड्राइवर है मगर गोविंद नाम का कोई ड्राइवर हमारे है ही नहीं। तुम्हें यकीन है? अजय साहब, जिस आदमी की तलाश में पुलिस हो उस आदमी को हम नौकर कैसे रख सकते हैं? अच्छा, तो चलो प्रकाश बाबू कोई कारखाने में तलाश करेंगे। अच्छा चलिए। अच्छा नमस्ते। यहाँ कौन है? कौन है भैया? कोई अरे मैं हूँ कौन साहब। बापू को मेरी चिट्ठी जरूर मिल गई होगी लेकिन
लेकिन मुझे चिट्ठी मिलने से पहले अब शायद उनके दर्शन न हो सकेंगे। माँ ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रहे हूँ बेटी, मेरे दिन अब पूरे हो चुके हैं। भैया तुम माँ के पास आता नहीं, मैं डॉक्टर को अभी लेके आती हूँ। पैसे लेकर आई हूँ। मेरी मन मानना चाहिए डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए। हेलो, क्या क्या कहा? अच्छा अच्छा मैं आया, माफ करना बेटी, मेरे एक मरीज है जिसका बच्चा होने वाला है, बेचारी तुम तोड़ रही है। मगर मेरी माँ। तुम्हारी माँ ये कहती थी वहां पे जानों का सवाल है, मैं ऑपरेशन करके अभी तुम्हारे घर आता हूँ। अच्छा माँ को सर्दी लग रही है मुन्ने, चलो जल्दी घर जाए। मैं चलो माँ दवाई ओढ़ लो, जिसम में गर्मी आ जाएगी। गिरती हुई दीवार को अब भगवान भी सहारा नहीं दे सकता। माँ जल्दी निकल जाओ बच्चों, माँ की ममता तुमसे लिपट जाएगी। माँ तो चली जाएगी मेरे बच्चों, मगर माँ की ममता रह जाएगी। ममता बीमार है, माँ का बुखार चल गया, बदन ठंडा हो गया, माँ सो गई। बदन ठंडा हो गया, माँ सो गई। बेटी देवलोक से आई थी, देवलोक को चले गई थी, को चलाती है। आज देख लिया ये चलती भी है और चलाती भी है। मेरे बच्चे पर राख होगी, मेरे दिल टुकड़े होकर भी चूर लूंगा। गोविंद प्रकाश बाबू, तुम्हें हमारे अरमानों का तमाशा देखने आए हो। गोविंद ये शारदा की चिता नहीं चल रही प्रकाश बाबू, ये गोविंद के अरमानों की दुनिया चल रही है। देखो गोविंद की माँ जिस तरह एक दिन छोड़कर चली गई थी, उसी तरह आज भी गोविंद के बच्चों की माँ। माँ को याद करो मेरे बच्चों, माँ को जो मर के भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है। हमारे साथ हो बापू? नहीं नहीं मैं पास होकर भी तुमसे बहुत दूर, कितनी दूर कि न मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ, न तुम्हारे सर पर अपना हाथ रख सकता हूँ। तुम यतीम हो गए मेरे बच्चों, तुम यतीम हो गए, तुम्हारी माँ मर गई। बापू मुझे के पास ना बेटी,
तुम कहोगे ये मुर्दा बोल क्यों रहा है, चीख क्यों रहा है, चिल्ला क्यों रहा है? ये उस मौत की राह देख रहा है जो फांसी पर चढ़कर आएगी। प्रकाश, तुम सरकार के वफादार निकले, तुमने मफरूर मुजरिम को पकड़ लिया, तुम्हें मुबारक हो। मुबारक मुझे दो इंस्पेक्टर साहब, मुबारक मुझे दो, मुबारक दो इन बच्चों को और मुबारक दो इस चलती हुई चिता को, जिस चिता के साथ मस्तक पर चढ़ाकर मुझ जैसा खूनी और पापी आज अमर हो जाएगा। बीवी और बच्चों की मोहब्बत ने इसे पागल बना दिया है, इसे जल्दी गाड़ी में बैठा दो। मैं पागल नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ, मैं गोविंद हूँ, गोविंद टैक्सी ड्राइवर। और जलती हुई चिता का स्वामी। अगर तुम कहो तो मैं अपनी इस मौत को घुटे के दांव वाले कर। हाय हाय, अब इन चारी वालों को क्या हो गया है? अभी से दरवाजे बंद। अरे मौत तो इस मोहल्ले में गोविंद की एक लुगाई से आई है, इन सबको क्या साथ सुन रहे हैं? बंदा बहन, तुम्हारा दिल है या पत्थर? मेरा दिल पत्थर है तो मैं पहाड़ हूँ पहाड़ प्रकाश बाबू, बोलो मुझसे टकरा के क्या सोच हो जाए? मत समझना कि मैं पुलिस वाला समझ के दब जाऊंगी। तुम्हें बदर है ना भगवान, तुम्हें तो शैतान भी हाथ जोड़ता है बहन। बस बस, अभी कुछ कहा तो कुछ का कुछ हो जाएगा। गंगा बेटी, कभी तो शांति का पाठ भी पढ़ाकर इस ठंडे दूध को पी के मारती है बेटी। ये ठंडा दूध है? अरे इसी ने तो गोविंद को पकड़वाया है। ये देखो गोविंद की सगी। बुरा न मानना बेटे, ये तो उसने सच ही कहा है। ये भी तो सच है तेरी माँ, मैं सरकार का नौकर मैं पहले हूँ और पड़ोसी का हमदर्द बाद में। सच सच कहते हो बेटा, मैं तो भावना में बन गई थी। प्रभा, ओ प्रभा, ओ प्रभा बेटी, किसी की चूँ चरा सुनाई नहीं बेटी, नन्हे मुन्ने के आदि तो पड़े नहीं। जब जाएंगे तेरी माँ, भूखे पेट सोए हैं, उठेंगे तो भूख भूख चिल्लाएंगे, घर में तो कुछ भी नहीं, क्या दूंगी? देने वाला तो वो दाता है बेटी, थोड़े चावल मैं ला देती हूँ। नहीं देवी माँ, तकलीफ अरे किसी की तकलीफ मैं ला देती हूँ। देवी माँ, माँ
मुन्ने कहते हैं माँ कहाँ है तू आसमान वाले हंसता तेरा जहाँ है माँ के बगैर दुनिया लगती है सुनी सुनी माँ के बगैर दुनिया लगती है सुनी सुनी घर लूट के हमारा तो कितना शांत आसमान वाले हंसता तेरा जहाँ है हमारी क्या तुझसे जा मिली है रूठ के हमारी क्या तुझसे जा मिली है क्यों बोल था नहीं तो चुप क्यों तेरी सुबह है क्यों बोल था नहीं तो चुप क्यों रोते हैं नन्हे मुन्ने रोते हैं नन्हे मुन्ने कहते हैं माँ कहाँ है कहते हैं माँ कहाँ है आसमान वाले को बुला रही है बेटी वो बड़ी ऊंची जगह रहता है साधु सन्यासी नहीं पहुंच सकती तो हम तो क्या पहुंचेंगे बेटी सब्र कर सब्र का घूट मैं तो पीलूंगी देवी माँ तुमको रोज रोज पत्थर नहीं खिला सकते ये नहीं चिंता उसको सौंप दे बेटी वो बड़ा आसाद है वो अमीरों का है देवी माँ गरीबों का नहीं लेकिन मेरी जान में जब तक जान है मैं उनकी जान पर न बने दूंगी ताकि अपने घर के बर्तन मानती थी अब सारी चाली के मांझू अरे बेटी मेरे रूप की ये फिरती हुई चाली बचपन और जवानी के संगम पर दूध की तरह फैल रही है इसे क्या मिट्टी में मिला देगी मेरी तो मिट्टी भी इनके काम आ जाए तो मैं भगवान का उपकार मानूंगी जिसने दान दिए है वो अर्धन भी देगा एक काम करेगी बेटी बोलो देवी माँ कि नन्हे मुन्ने भाइयों के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ तो कर तैयार रहना अपने साथ तुझे भी बीड़ी के कारखाने में ले चलूंगी आटा सने रोज मिल ही जाया करेंगे इनके लिए इतने भी काफी है मैं नहीं भी खाऊंगी तो मरूंगी ना ऐसा ना कहो अच्छा तैयार रहना Ram, 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 Ram,
मेहनत से ना डरना मेहनत से ना डरना मिल जाए जो करना मिल जाए जो करना बेकार ना रहना फटकार ना सहना बेकार ना रहना फटकार ना सहना कहना तो ये कहना दुनिया में बड़ा दाम और आगे बड़ा नाम दुनिया में बड़ा दाम और आगे बड़ा नाम हाथों से करो नाम हाथों से करो नाम 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 और मन से भजो नाम 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 और मन से भजो नाम 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 मेहनत तो है मेवा मेहनत तो है मेवा राहत तो है सेवा राहत तो है सेवा दिल किससे लगाना हाजी न चुराना दिल किससे लगाना दिल किससे लगाना गाना तो ये गाना काम तेरा नाम आराम है आराम ऐ काम तेरा नाम आराम है आराम हाथों से करो काम हाथों से करो नाम काम 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 और मन से भजो नाम काम काम और मन से भजो नाम काम 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 किसका है ये बच्चा क्या ये बच्चा किसका है मेरा पोता है बच्चा यहाँ लाने का ऑर्डर नहीं अच्छा अच्छा कल से ले लाऊंगी दीदी मुझे भूख लगी है अच्छा अच्छा दीदी को तो काम मिल गया बोलो तुझे भी मिल जाए तो भैया तुझे स्कूल भेज दे नाना नाना ये भूल मेरे बाप ने की है तुम ना करना सुना नहीं लिखोगे पढ़ोगे तो होगे खराब लिखोगे तो बोलो मेरा बाप अरे वन लो आज तुझे बबुआ के बच्चे को जवाब दिया है क्या होता है क्या हुआ रे बबुआ मारा तुझे किसी ने नहीं चाची अब तो हमें कोई मारे भी तो उसे नहीं मारेंगे मरो रे बोलते नहीं थकते तुम चल रे बबुआ क्या है जी तुमने दांत उतार ली होगी जरा चाय का पानी रख दो क्या मेरे लिए नहीं नहीं मेरे लिए अच्छा अच्छा बिगड़ो नहीं बिगड़ो नहीं गंगा चाची लो माँ की मर्जी इसने भीख मांगना शुरू कर तुम्हारे मेहमान आए हैं मरो नहीं
आजकल राशन के दिनों में मरना। अरे मेरा भाई रामेश्वर, सुशीला भाभी आओ अंदर। अरे मेहमानों की तरह क्या खड़े हो, आओ ना। आज बहन की याद कैसी आ गई? मेरे यहाँ बदली हो गई है बहन। यहाँ पूरा में? हाँ। भैया मेरे बंबई में मकान पगड़ी देकर मिलता है तो यहाँ दुशाला देकर। वो कुछ भी हो, यहाँ कोई कमरा किराए से मिल जाए तो अच्छा हो। तुम्हें कहाँ तक तकलीफ देंगे? कमरा? है तो सही। चलो दिखाती हूँ, वो है वो सामने वाला कमरा। बस खाली होने ही वाला है। इन बच्चों की माँ तो मर चुकी है और बाप जेल चला गया है, किराया कहाँ से देंगे? हाँ हाँ लो जी कमरा मिल गया। अरे बहन किसकी है? अजय सुनते हो? क्या है जी? दो कप चाय का पानी और रख देना। और किसके लिए? भैया और भाभी आए हैं। अच्छा आने दो साले को। मालूम नहीं चाय बनाती थी? चुप रहोगी? अजी चाय क्या, सारा खाना वही बनाते हैं, उन्हें पकाने का बड़ा शौक है। शौक है? दीदी तुम भी देखा मार लो, तुम खा लो। भैया तुम खाओगे तो मेरा पेट आप ही भर जाएगा। तो माँ भी खाती थी। माँ के बाद दीदी ही तो हमारी माँ है। क्यों है दीदी? हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे अरे इतना पानी नहीं पीते तू नहीं पीते? पानी ज्यादा पीने से पेट में जो जगह खाली होती है वो भी भर जाती है। आप शेर भी नहीं और बात सवा शेर की करता है। एक बात पूछूं दीदी? क्या? मुझे भी कोई नौकरी मिल सकती है? पागल कहीं का, जब तक मेरे जिसमें जान है तुझे नौकरी क्या जरूरत है? बापू घर क्यों ना आते? इसलिए कि तुम फजूल बातें किया करते हो। ये माँ कहाँ गई है? भगवान के पास। मुझे भी नहीं करे मोती। अच्छा तुम सब अपने अपने कपड़े उतार दो, मैं अभी धो डालूंगी तो सुबह तक सूख जाएंगे। कपड़े धोकर सूख नहीं डाले थे? नहीं हाँ अभी तो नहीं चलती, दोपहर में धोए होते तो धूप में सूख जाते। अरे प्रभा तुम्हें बाल्टी भर के कहाँ चली? कपड़े धोने चाहिए बेटी। चाची कहकर तू मेरे अंदर से माँ का दिल निकाल लेती है। मैं तो भाभी चाची सभी को माँ समान समझती हूँ। चाची बड़ी भोली बच्ची है और तू बड़ी चालाक है। कम मैं भी नहीं हूँ भाभी। देख कैसे बनाती हूँ इस भोली बच्ची को। मैला कपड़ों की मैल मुखियों से निकलती बेटी। ये ले साबुन। बस तू तो दिल में गांठ मार के बैठ गई है। बिटिया मुझे जैसा बबुआ वैसी तू, देखा नहीं तुम्हें? मुझे कुछ कहना था मगर सगी भाभी तक के सामने नहीं कहा तो अब कह दो चाची। कहना ये था बेटी कि तेरे बचपन की छाव पर थोड़ी थोड़ी धूप आने लगी है। मैं समझी बड़ी बेसमझ है, इतना भी नहीं समझी कि बचपन छोड़कर आगे निकल आई है। सबकी आंख भाई और बाप की आंखें नहीं होती, ये साड़ी पहनने की उम्र है। तो कभी भी आके साड़ी मुझसे ले जाना। ये ना होगा चाची, मुझे क्या समझती बिटिया?
चाची और तो भतीजी कान खींच कर कह सकती हूँ। अच्छा चाची ले ये सामान। अरे चलिए मुन्ना। कौन है? मैं हूँ मुन्ना। दरवाजा खोलो। थोड़ी देर से आना भैया। क्यों? भैया तुम्हें भी देखकर हंस गए। अरे तुम क्या लंगूर हो? दरवाजा खोलो। नहीं नहीं हमें शर्म आती है हमें भी। अरे लड़कों को शर्म कैसे? नहीं नहीं हमें शर्म आती है हम नंगे हैं दीदी हमारे कपड़े धोने गई है। मैंने चुन्नी मिलने के लिए एक काम ढूंढा है। वो बेचारे अभी क्या काम करेंगे? नहीं मैं भी तो यही काम करके पढ़ा हूँ। ऐसा कौन सा काम है? अखबार बेचने का। वो चारा ठंड मिल जाएंगे। मगर कौन देगा ये काम? इसकी फिक्र तुम मत करो। बड़ा उपकार तुम्हारा। उपकार कैसा पड़ा? मैं भी तुम्ही जैसा गरीब हूँ। डॉक्टर सूर्यवंशी की मदद से वकील हो गया हूँ। अच्छा तो कल उन्हें साथ लेते जाना। लेना भी नहीं। अच्छा यही खेलते रहो और देखो चुन्नी मुन्नू है तो ही चाबी दे देना। अच्छा मैं जाती हूँ। भैया मेरे सामने ये नाम मत लो। ये तो हमारे लिए कर दीजिए। क्या बोल रहा खुल क्या दीदी? ये लो हमारे आज का मैं ये लो पूरे तीन आने हैं। चुन्नू मुन्नू मैं कारखाने जाती हूँ। अच्छा मोती का ध्यान रखना। अच्छा अच्छा और देखो किसी से लड़ना नहीं। अच्छा किसी से कुछ मांगना नहीं। अच्छा और कोई कुछ दे तो लेना भी नहीं। अच्छा अच्छा, अच्छा। मैं जाती हूँ। अच्छा। प्रकाश बेटा अब गुरु का क्या हुआ? मुकदमा अदालत में पेश हो गया है। फांसी नहीं तो उम्र कैद जरूर। तो क्या हम जिंदगी भर बापू को नहीं देख सकेंगे? प्रकाश चाचा एक बार तो मुझे बापू से मिला दो। अभी चलो बेटी। अभी अभी तो मुझे कारखाने जाना है। बाप की मोहब्बत पर भाइयों की गरीबी पर्दा डाल रही है। जा बेटी फिर कभी सही। तुम्हारी उसके बालों में आप काटे। बाबा तुम इन नन्हे मुन्ने भाइयों को कैसे संभालती है बेटी? तुम इसकी चिंता नहीं करो बापू लेकिन घर कब आओगे? अब तो मैं बड़े घर का मेहमान हूँ बेटी। आगे के भगवान जाने। बापू 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 माँ के बाप जा रहा है। अब दीदी का दामन थाम लो बच्चों। बापू बापू अब यही बापू और यही तुम्हारी माँ। बापू 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 गंगा बहन गंगा बहन क्या है? गिर गया गिर गया। देखो बोलवा
क्या देख रही थी? ये ले। क्या है चाची? अरे खोल के तो देख, देख चाची का दिल है या माँ का। साड़ी? हैरान क्यों हो गई बच्ची? खुश हो? ये तो तेरी चाची के प्यार की पहली निशानी है। लेकिन शेरी है तो तू इतना भी नहीं समझती? ले उस कमरे में ले जा इसे और पहन कर आ जा। चाची चाटा मारूंगी जो कुछ कहा तो। कुछ क्या हुआ गंगा बेटी? इसके यह पर क्यों बरस रही है? बद अच्छा बदनाम बुरा। देवी माँ मैं मुंह की बुरी हूँ मन की नहीं। मेरी प्रभा तू क्यों नहीं बोलती? देवी माँ चाची मुझे ये साड़ी दे रही है। तू ले ले बेटी, ये तो साड़ी है, पैर से कोई दुख भी दे तू भी ले लेना चाहिए। बोल रही प्रभा अभी भी तुझे कुछ कहना है? नहीं चाची। तो जा इसे पहन कर आ जा। गंगा बेटी तेरे दिल में आए दया जागी है, देख हाँ तेरे घर में दो दो दिए जलेंगे बेटी। कितना अच्छा बेटा है रे। मारता बदमाश तुम बहुत खराब हो चाची। मनु भैया को मारते की लड़की प्रभा। अच्छा तो जनाब आजकल इसके पीछे हाथ धो के पड़े हैं? अरे हाँ यार मगर ये माल हाथ लगे ऐसी उम्मीद नहीं। क्या हो गया? देखने में फूल है पर दांत कांटे की। अरे क्यों बनता है? हम नीतीश खोलेंगे। तो बोलता क्यों नहीं? अरे मुझे तो बुखार है। माँ को बुखार हो गया था। माँ तो मर गई थी। वो तो नहीं मर जाएगा। मेरी बात मुझसे नहीं निकलती मम्मी। चलो इसे निकाल कहीं बुखार तेज ना हो जाए। आज से खेलना कूदना बंद। दीदी मोती को बुखार हो गया। बुखार? अरे अब क्या करूं? देवी माँ इसे डॉक्टर के पास ले जाए। इसको गोबरी निकली है। गोबरी का तो मामूली इलाज होता है बेटी, ये तो हर कोई को निकलती है। अरे हाँ परसों तो मेरे बबुओं की भी निकली थी। भूल क्यों गई? गोबरी की दवा तो मेरे घर में पड़ी है। इनको खिला मैं अभी लेके आती हूँ। ले ले ना ले। दीदी ये चाची आजकल बहुत प्यार जताने लगी है। ये घर की गरीबी देखकर उसको तरस नहीं आएगा। एक बार पत्थर के पानी हो जाएगा बेटा। कौन है? मैं हूँ भड़े वाला मुनीम जी। 4 महीनों का किराया है। किराया तो 1 महीने का भी सर पे नहीं रखना चाहिए।
मगर जिनकी आंखें पैसे पैसे को तरस गई हो और जिन्हें दो वक्त पेट भरकर रोटी भी नहीं मिलती हो उनके तकाजा क्यों करते हो बोले जी? मैं घर से नौकरी करने निकला हूँ देवमा, कुछ रुपए की गजड़ी बांध के नहीं लाया। प्रभा किराया दे नहीं तो कमरा खाली कर दे। अरे बड़ा आया कमरा खाली कराने वाला, अरे किसी के मजा ना इस घर की तरफ आंख उठा के देख सके। बोलो कितना किराया? 40 रुपए बस। आओ मैं देती हूँ। नहीं चाची आगे तुम्हारा एहसान कुछ कम नहीं। हाँ हाँ बेटी, लेकिन मैं किसी की कित कित नहीं सुन सकती। पैसे का क्या है, हाथ का मैल है मैल। लो आओ मिलूं जी। अरे तुम तो नहीं खड़े हो गए, देखते नहीं बच्चा बीमार है। चलो ये 40 रुपए और रसीद मेरे नाम की करना। रसीद तुम्हारे नाम की? लेकिन ये 5 रुपए चाय पानी। अच्छा गोबरी की कोई दवा दीजिए डॉक्टर साहब। अरे गोभी तो बच्चे की निकलती है और तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं। मेरे एक पड़ोसी के भाई को निकले डॉक्टर साहब। पड़ोसी का इतना ख्याल रखना चाहिए। अच्छा मैं दवाई देता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। बाबा ये लो मोती की दवा। कैसी दवा? डॉक्टर से लाया हूँ। डॉक्टर से? हाँ डॉक्टर मेरी पहचान का है। तुम घबरा नहीं दवा, मोती को तो मामूली गोबरी है, इसी दवा से ठीक हो जाए। जाऊं मैं? मोती दवा पी लो भैया। दीदी अरे चुनु मुन्नू आज तुम अखबार बेचने नहीं गए? बबुआ ने मेरा कुर्ता भर डाला। और मेरा भी। तो क्या काम पर तो जाना था? मैं भी नहीं जाती तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम जाओ भैया। फटे कपड़ों में हमें शर्म आती है। अरे गरीब को शर्म कैसी, तुम जा मैं शाम तक दोनों के कुर्ते बनवा दूंगी। अच्छा अच्छा चलो मुन्नू। पानी बर्तन ले लो। बर्तन मेरा हाथ लगाना बेटी। बुला जरा अपनी माँ को। माँ माँ नहीं है माई। तो बर्तन कौन लेगा? बोल बच्ची क्या चाहिए तुझे? तुम बर्तन के बदले पैसे भी देती हो माई? नहीं रे, पुराने कपड़ों के बदले मैं बर्तन देती हूँ। दिखा तो कैसे कपड़े हैं तेरे पास? कपड़े तो अपने पास नहीं है माई। हाँ 2-4 पुराने बर्तन हैं, वो ले लो। और इन पुराने कपड़ों में से सिर्फ 3 कुर्ते निकाल के दो, छोटे छोटे बच्चों के। ये तो क्या कह रही है बच्ची? मेरी माँ मर गई है और बाबू भी घर पर नहीं आते। 3 भाई हैं और 3 के कुर्ते बिल्कुल फट गए हैं। तू एक काम कर बेटी, बर्तन ले जा। बाजार में हमारे जात वाले फटे पुराने कपड़े सी बनाकर बेचते हैं, वो बर्तन लेकर तुझे कपड़े दे देंगे। यही तो रोना है कि मैं बाजार नहीं जा सकती।
चाहने वालों से इसी ने तो तुम्हें छुपा के बिठाया है। ये भला करती जाओ माई। अच्छा बेटी लिया बर्ता। है तो पुरानी सो जाने बच्चे। बस इन सारी का काम तो चल जाएगा। तुम्हारा धन्यवाद। जब मुझे मैं चाहूँगा तुम उठा दे। नहीं चाहिए किसी से कहना नहीं। तुम्हें किसी से कहूँ बच्चे। बर्तन लाओ बर्तन। अरे मुन्ने आज जिस पर मजाक करेंगे जरा मजा रहेगा। हार कह लिया तुमने। मुन्नु भैया बुबू ने नए कुर्ते ले हैं। और देखो ये मेरा कुर्ता। अरे मेरा इतना अच्छा है आज दिवाली में काम आ जाएगा। दीदी दीदी क्या है भैया नहीं कुछ नहीं पहले तुम बाहर चलो। मगर क्यों जादू का खेल है दीदी जादू का खेल। छू मत आंखें बंद करो दीदी। क्यों और जब तक हम आवाज ना दे हमारी कसम अंदर ना आना। मगर क्यों अरे चलो हम खाने लगाएंगे। चलो जल में मुरमुरे भी नसीब होते कि नहीं खाओ दीदी खाओ दीदी खाती हूँ तुम भी खाओ। Thank you.
सुनना ही देते थे मगर उन्होंने जबरदस्ती दे दी। बोलोगे दीदी माफ कर दो। कहाँ है वो? ऊपर मर घर में। बापू की ना तुमने बच्चों को खुजलियां देने का क्या हक था? तुम मुझे पराया समझते हो बाबा? तुमसे मेरा क्या रिश्ता क्या नाता है? तुम्हें मगर मगर हो भी नहीं सकता क्या? मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता बाबा। ये फूल सा हाथ कांटों की छड़ी बन जाएगा। आखिर निकालो बाबा मेरा दम निकल जाएगा। मैं तो तुम्हारा गम बांटने के लिए हाथ पकड़ने आया हूँ। मेरा हाथ पकड़ने आया हो? क्या समझते हो मुझे? तुम बहुत भूली हो प्रभा। मेरा मतलब है कि तुम और मैं और तुम दोनों सदा के लिए एक हो जाएंगे। मेरे घर चलो प्रभा, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी लेकर आया हूँ। अच्छा तो तुम मुझे डोली में बिठा कर ले जाने के लिए आया हो? चलती हूँ चलती हूँ। अपने घर में तो बड़ा बूढ़ा कोई नहीं है, अड़ोस पड़ोस की किसी को बुला के ले आती हूँ। नहीं बाबा किसी की कोई जरूरत नहीं। संगे क्या हो रहा है? कुछ नहीं साहब। मैं पूछिए चाचा जी इसने चुन्नू मुन्नू को फुजरियां क्यों दी? मैं गोविंद का दोस्त हूँ ना, दोस्त के बच्चों को दिवाली। और मेरा हाथ क्यों पकड़ा था? ये क्यों कहा कि चलो मैं तुम्हारे लिए टैक्सी लेकर आया हूँ? साहब ये लड़की तो नहीं समझी, आप समझ गए होंगे मेरा मतलब है, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ और तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ। ये तेरे दोस्त गोविंद की बच्ची है और दोस्त की बच्ची अपनी बेटी हुआ करती है बेवकूफ। अपनी बेटी पर दुनिया दिन डालते हुए शर्म नहीं आती? साफ कहना चाहिए यहाँ आया तो पहले तो दूंगा निकल यहाँ से। प्रकाश चाचा आप ना होते न जाने आज क्या होता। तू मेरा आधार का भगवान होता है बेटी, तुम घबराओ नहीं। अच्छा मैं जाऊं? दीदी कल दिवाली की मिठाई लाओगी ना? अरे पगले इस बरस ना मरी है तो दिवाली कैसे? कारखाने में हड़ताल ना होती तो मैं तुम्हें दिखा देती मां मरी नहीं जिंदा है। मगर क्या करो बेकार ने मेरे हाथ पैर तोड़ दिए। वारे तेरे थे प्रभु जी, 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 वारे तेरे थे। कहीं जले बाती बिन दीपक, कहीं जले बिन के, वारे तेरे थे। फूल सुंदर फूल खिलाए पर कांटों के संग, फूल सुंदर फूल खिलाए पर कांटों के संग, कस्तूरी का खुशबू पर दिया न उजला रंग, चारू पर रंग खाने
जी तो चाहता है कि टोकरी तुम्हारे सामने उलट दूं, मगर डर लगता है मैं अछूत हूँ, गरीब हूँ। और गरीब से लेना अपना घर नहीं मिले, देना है। अच्छा था, नहीं नहीं बेटा, दीदी तो अंदर नहीं, तो दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। और मैं है। जिनका घर है। हाँ कभी, अब तो हमारा है। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। इतना शोर क्यों मचाता है? अब ये कमरा हमारा है, तुम्हारा सामान वो रखा है। मार सामान यहाँ रखा है, क्यों रखा है? मैंने रखा है। तुमने रखा? हाँ हाँ मैंने रखा है। ये कमरा हमारा है, बाहर निकलो। अबे जा बे, प्यारा तिल पिल करोगे तो मुंह तोड़ के रख दूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारा है तो क्या हुआ? चलो
चलो बढ़िया निकल भाई। वो रखा है तुम्हारा सामान, वो रखा है तुम्हारा सामान। 6 महीने का किराया मैंने दिया है, चाबी तू खुद देकर गई। मालिक मकान ने मेरे नाम से कर दिया है ये कमरा, समझिए। हम कहाँ जाएंगे? जाने में गवाह हो जाओ यहाँ से। अरे निकलो बाहर, अरे निकलो। क्यों बे? अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे अरे ये क्या कर रहे हो? मर गया, बस मर गया। खोल खोल, पुलिस पुलिस। माता बस हाथ नहीं चलते तुम्हारे। पकड़ बाबू, पकड़ के ले जाएंगे। खुनी का बेटा आखिर खुनी निकला। पूरी चाली में आग लगा रखी है लोगों ने। आज बड़ी दया आ गई तुम्हें। उनके बाप को तो तुम्हें पकड़वाया था। बोलो चलते इसे एक कथा नहीं कि मैं जाऊं। मैं तुम्हें मुझे अपने घर निकल, मुझे अपने भाइयों की जान बचा कर निकल जाने दो। तेरे